है दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आपके दिमाग में कितने दिनों से चल रहे हैं कि धारा 317 और 35A क्या है, इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो देखिए, ये आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो उसको हम इसमें कवर किए हैं करेंट अफेयर्स के नज़र से, ठीक है। और करंट अफेयर्स में जरूर धारा 317 और 35A से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखा, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठें, जो भी परीक्षा आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और क्या क्या बदलाव हुए हैं धारा 317 और 35 से हटने के बाद, तो इस वीडियो में हम पूरा तथ्य को क्लियर किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, धारा 370 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों। तो देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल, मतलब धारा या आर्टिकल, आर्टिकल इंग्लिश में और धारा हिंदी में कहते हैं, 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था। ये जो धारा 370 था ना, दिया गया था यानी कि अब हट गया है, अब नहीं है, ठीक है, ये पास्ट में बीत गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में विशेष अधिकार दिया गया था, कई अधिकार दिया गया था, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था, जो संविधान के किस में, भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। देखिए, ये कब जोड़ा गया था, धारा 370 के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब कि जो पहले के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था उसके बाद जोड़ा गया था। धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। और धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों में, किस किस क्षेत्र में, रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकते हैं, और किसी के लिए नहीं। 370 के मुताबिक जो रक्षा और विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकते थे और कुछ के लिए नहीं। अगला, इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। अगर कोई भी, इसके अलावा अगर केंद्र सरकार को उसमें कोई भी कार्रवाई करनी हो तो उसके लिए वहाँ के राज्य सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक थी। ये थी धारा 370, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 35A क्या है। यहाँ से आप लोग कैसे भी नहीं तो 10-15 क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका, ठीक है। दो बार तीन बार जरूर देख लीजिए, कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए 35 क्या है, 35A, जो 35A है आर्टिकल, तो देखिए आर्टिकल 35A संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, बहुत यहाँ समझने वाली बात है कि आर्टिकल 35A ये तो अब हट गया है, तो संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। आर्टिकल 35A को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसके 14 मई 1954 को भारतीय के संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। अब देखिए, इसका पूरा निचोड़ क्या है 35A का, कि अस्थायी निवासी या नागरिक वह व्यक्ति हैं जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो, ठीक। बहुत बड़ी बात है कि 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो, ठीक, मतलब उससे पहले की या 10 साल पहले से उस राज्य में रहा हो और वहाँ पे कुछ संपत्ति, मतलब काम धंधा करके कुछ संपत्ति हासिल कर लिया हो। तो ये 35A और 370 धारा का ये सभी नियम है जो कि अब हट चुका है, तो ये जरूर पूछेगा करंट अफेयर्स के नज़र में, और ये आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दोस्तों, इसको दोहरा कर जरूर जाइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और फिर मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ में।